लिथुरा थाना प्रभारी को धारा 302, 307 और आधा दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में 20 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। टीकमगढ़ नवागत एसपी प्रशांत खरे के द्वारा संगीन अपराधों में लिप्त रहे अपराधी जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, उनकी धरपकड़ के लिए कई थानों में विशेष टीम गठित कर उन अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, जिसमें सफलता भी हाथ लगी है। इसी कार्यवाही में आज लिथुरा थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया को सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश की सीमा के गाँव से आतंक फैला रही भगवान दास ठाकुर और धन सिंह टीमर की टीम में शामिल रहा आरोपी बलराम पिता डुड्डू अहिरवार, आयु 60 वर्ष, निवासी बुडेरा थाना समथर जिला झांसी। इस गैंग में सन 2001 में महेवा में करीब 8 बजे आदिवासियों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था, जिसे छुड़वाने के लिए एसटीएफ की टीम बटालियन गई थी। इस अपराधी के द्वारा बटालियन की टीम पर गोली चला दी गई थी, जिसमें एक एसटीएफ बटालियन के आरक्षक शिव दयाल के माथे में गोली लगने से वो शहीद हो गए थे और एक आदिवासी के पैर में गोली भी लगी थी। घटना दिनांक का सही आरोपी भेज बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। आज करीब 20 वर्ष बाद संगीन अपराधों में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कहते हैं कि अपराधी कितना ही भाग ले, एक न एक दिन उसे अपनी करने का फल भुगतना ही पड़ता है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। सर, जो आज आरोपी पकड़ा है, क्या दिनांक? घटना दिनांक 4/5/2001 के पूर्व में कई पिछले कई वर्षों से महेवा कटेरा मौरानीपुर क्षेत्र में बदमाश भगवान सिंह ठाकुर एवं धन सिंह ढीमर गैंग का आतंक रहता था, जिसकी ग्राम की सुरक्षा एवं किसी गैंग की पतारसी हेतु ग्राम महेवा चक्र नंबर 3 में बदमाश गैंग की पतारसी हेतु एसएएफ की बटालियन तैनात रहती थी, जिस एसएएफ बटालियन के कमांडर गोपाल सिंह चौहान थे। गोपाल सिंह चौहान को दिनांक 4/5/2001 को सूचना प्राप्त हुई कि इसी गैंग के द्वारा भगवान सिंह ठाकुर एवं धन सिंह ढीमर गैंग के द्वारा महेवा के 8 आदिवासी मजदूरों को अपहरण करके वहां पर बंधक बना लिया गया, जिनको छुड़ाने हेतु एसएएफ बटालियन के कमांडर गोपाल सिंह ठाकुर एवं उनके साथ में साथी आर्म्स एमुनेशन के साथ में गए एवं इसी गैंग को उन्होंने अपहृत आदिवासियों को छोड़ने हेतु कहा गया। जो दोनों एसएएफ बटालियन एवं गैंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिस बीच में एक क्या कहते हैं आदिवासी को जांग में गोली लगी तथा एसएएफ बटालियन का एक आरक्षक 10 नंबर सिद्धयाल, जिसको गोली माथे में गोली लगने से शहीद हो गया था, परंतु गोपाल सिंह ठाकुर एवं एसएएफ बटालियन की बहादुरी के कारण 8 आदिवासियों को सकुशल वहाँ से छुड़ाया गया। उसी दिनांक को मौके पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी अपराध में थाना लिधौरा में अपराध क्रमांक 54/01 धारा 302, 307, 364 का 147, 148, 149 ताजराते हैं 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकरण में आरोपी बलराम पिता टुडू अहिरवार उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बुढ़ेरा घाट थाना समथर जिला झांसी का लगातार 2001 से लगातार 20 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर कटेरा बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। कितने आरोपी थे? इसमें कुल 17 आरोपी थे। सभी आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष एक आरोपी बलराम अहिरवार आज दिनांक को गिरफ्तार कर इसे मानने में आरोप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।